सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग कृष्णा जी का ड्राइंग करने वाले हैं। एंड गाइस, इससे पहले गाइस मैंने ऑलरेडी आउटलाइन वीडियो मैंने डाल रखा है, तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना। एंड उस वाले वीडियो में गाइस मैंने अच्छे से बता दिया कि ग्रिड लाइन का यूज़ करके आउटलाइन कैसे ड्रॉ करना है। एंड इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सेटिंग वगैरह कैसे करना है फेस में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड ये बेसिकली पार्ट वन है, तो पार्ट वन में गाइस मैं कुछ आधा पार्ट कवर करूंगा एंड पार्ट टू में पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस ड्राइंग को। एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ वो सब गाइस सबसे पहले देख लो। इस ड्राइंग के लिए पेपर मैं ब्लूस्टो का यूज़ करूँगा 200 GSM A3 साइज, और पेंसिल भी मैं ब्लूस्टो का यूज़ करूँगा, और भी मटेरियल यूज़ करूँगा जैसे मैकेनिकल पेंसिल, ब्लेंडिंग ब्रशेस, तो वो आप लोग वीडियो में देख लेना। एंड आज चैनल में न्यू तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी गाइस यहाँ पर मैं यशोदा मैया जी का सबसे पहले फेस कवर करूँगा, देन गाइस मैं बाद में कृष्णा जी का फेस कवर करूँगा। तो अभी आप लोग अच्छे से देखोगे गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँगा कि कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, आई को मैंने ड्रॉ कर लिया है। एंड जितने भी डार्क एरिया से आई बोल जैसे काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पर डायरेक्टली गाइस आप लोग 6B या फिर 8B पेंसिल से डार्क कर देना। एंड आईब्रोज भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो वो भी डायरेक्टली डार्क कर देना। एंड आईज़ के ऊपर नीचे गाइस सबसे पहले आप लोग फर्स्ट रेड अप्लाई करना लाइट ग्रेड्स का पेंसिल से, जैसे कि HB हो गया, तो HB काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, उसे फर्स्ट रेड अप्लाई करना। देन सेकेंड लेयर के लिए आप लोग 2B पेंसिल यूज़ करना। एंड अपने रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना, जब तक गाइस आप लोग रेफरेंस फोटो से मैच ना करें तब तक गाइस आप लोग लेयर को अप्लाई करते जाना। एंड फिर लास्ट में गाइस ब्लेंडिंग करना आप लोग को अच्छे से। एंड मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग कर सकते हो, या फिर कॉटन से कर सकते हो, या फिर ईयरबड से कर सकते हो, आप लोग के पास जो भी टूल है गाइस आप लोग वो टूल यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, नोज़ में भी मैं सेम प्रोसेस का अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैंने HB पेंसिल से फर्स्ट रेड अप्लाई कर दिया, देन मेरे को लग रहा है HB पेंसिल को ही प्रेशर अप्लाई करके मेरा सेकेंड लेयर का काम हो जाएगा, तो गाइस मैं HB पेंसिल से ही थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके सेकेंड लेयर अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर गैस लास्ट में ब्लेंडिंग कर देना काफ़ी अच्छे से, नीडेबल इरेजर से गैस आप लोग हाईलाइट दे सकते हो। एंड हाँ गैस, ये जो येलो वाला मैकेनिकल पेंसिल है इसमें गैस 2B का लेड है, और यहाँ पर देखते देखते गैस हमारा लिप्स, नोज एंड आइज ड्रॉ हो चुका है। अभी यहाँ पर गैस मैं चीक को ड्रॉ कर रहा हूँ, चीक में भी गैस आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मैं लाइट ग्रेड्स का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि HB हो गया। एंड हाँ गैस, यहाँ पर थोड़ा क्लिप गैस मुझसे कट हो गया, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप लोग देखो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रेड अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि गैस ये थोड़ा लॉन्ग एरिया है, जैसे गैस मैं फर्स्ट रेड अप्लाई करके यहाँ ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर गैस मैंने सेकेंड लेयर अप्लाई किया। एंड हाँ गैस, ये पार्ट थोड़ा मतलब कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी यहाँ पर देखोगे गैस मैंने चीक भी फाइनली गैस मैंने ड्रॉ कर लिया, और बहुत ही इजी है गैस, काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप लोग अच्छे से देखोगे तो गैस आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड अभी यहाँ पर गैस मैं हेड को कवर कर रहा हूँ, और फिर गैस मैं हेयर को ड्रॉ करूँगा। हेयर बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ब्लैक कर देना है। और अभी यहाँ पर देखो मैं ईयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ईयर में गैस मैं फर्स्ट रेड अप्लाई कर दिया, फिर गैस मैं डार्क एरियाज को कवर किया। तो बहुत ही इजी है, आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना अपने रेफरेंस फोटो को, फिर गैस ड्रॉ करना, आप लोग भी जरूर ड्रॉ कर पाओगे। एंड अभी यहाँ पर देखो मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, हेयर में सबसे पहले मैं 6B पेंसिल से फर्स्ट रेड अप्लाई किया, फिर मैं 10B पेंसिल से सेकेंड लेयर अप्लाई करके डायरेक्टली डार्क कर दिया, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी डार्क कर सकते हो, बट हाँ गाइस आप लोग डायरेक्टली डार्क मत करना, एंड थोड़ा अच्छा नहीं लगता एंड ज़्यादा डार्क भी नहीं होता। आप लोग लेयर वाइज डार्क करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। एंड अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है मैं वहाँ पर बोलूँगा, तब तक के लिए मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दे रहा हूँ। गाइस ये जो मैया यशोदा जी का गले में गाइस ज्वेलरी वाला जो पार्ट है गाइस उसको अच्छे से ड्रॉ करना, एंड काफ़ी अच्छे से उसमें टाइम देना, जितना हो सके उतने अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसके बाद ड्रॉ करना, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम देके वो पार्ट को ड्रॉ करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है उस वाले पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोग देखोगे गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर गाइस क्लॉथ वाला पार्ट भी गाइस आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करके शेडिंग करना, यहाँ पर देखोगे गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। Thank you.
एंड अभी यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्लाउज वाला पार्ट है, मतलब कि क्लोथ वाला पार्ट है, इसमें गाइस आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सेटिंग करना है एंड लेयर वाइज गाइस करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग देखो अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, देन मैं सेकंड लेयर अप्लाई करूँगा एंड अच्छे से ऑब्जर्व करना है किधर में डार्क वैल्यू है, कहाँ पर ज़्यादा डार्क है, जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो, वहाँ पर ज़्यादा ग्रेड्स का पेंसिल से कैसे सेटिंग करो, जैसे कि एड भी हो गया। तो यहाँ पर मैं एड भी पेंसिल यूज़ करके सेटिंग कर रहा हूँ जहाँ ज़्यादा डार्क है एंड जहाँ पर थोड़ा हल्का लाइट, मतलब कि ज़्यादा डार्क नहीं है, वहाँ पर गैस में 2B 4B कुछ स्टेप से गैस में यूज़ करता हूँ एंड फिर लास्ट में ब्लेंडिंग कर देना है। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग पार्ट भी है, तो आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करके गैस डिटेलिंग करना है। एंड हाईलाइट के लिए आप लोग नीडेड इरेजर यूज़ कर सकते हो या फिर टोमो मोनो 0 इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। एंड अभी यहाँ पर गैस मैं कृष्णा जी को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो कृष्णा जी का गैस मैंने आइज़ कंप्लीट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर नोज़ चीक वगैरह मैं सिंपली जैसे कि मैया यशोदा जी का ड्रॉ किया वैसे ही गैस मैं कृष्णा जी का भी ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर देखो गैस मैं कैसे ड्रॉ कर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो गैस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अभी यहाँ पर देखो गैस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर गाइस मैं मोर का पंख को ड्रॉ कर रहा हूँ। पंख को ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस सिंपली गाइस आप लोगों को चारों तरफ से डार्क कर देना है एंड जो भी गाइस हेयर वगैरह निकला है उसको अच्छे से एक एक स्ट्रोक वाइज गाइस आप लोगों को बाहर साइड निकाल देना है एंड बीच में गाइस शेडिंग कर देना है, फिर लास्ट में ब्लेंडिंग कर देना है। बहुत सिंपल है गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड गाइस हमारा पंख फाइनली ड्रॉ हो चुका है। अभी यहाँ पर गाइस मैं कृष्णा जी का बांसुरी को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आप लोगों को हर एक पार्ट में अच्छे से ऑब्जर्व करके गाइस ड्रॉ करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम देना है हर एक वर्क में। एंड गाइस ये जो मैंने आधा पार्ट डाला है, मतलब कि पार्ट वन कृष्णा जी को ड्रॉ किया एंड मैया यशोदा जी को, गाइस इसी मतलब को ड्रॉ करने में मेरे को 15 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा। तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है, अच्छे से पेंसिल के साथ में ड्रॉ करना है, तभी गाइस आप लोग रियलिस्टिक वे में ड्रॉ कर पाओगे। एंड तब तक के लिए अभी आप लोग देखोगे गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, फाइनली हमारा कंप्लीट होने वाला है ड्राइंग। एंड बस गाइस चैनल में नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड तब तक के लिए देखो।